तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आप देख रहे हैं एनपी एडिटर चैनल को। तो आपने एक वीडियो देखी थी जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि एक वीडियो थी जिसमें गोस्ट राइडर की फ़ोटो एडिटिंग थी, तो वो कैसे करनी है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलो स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, यही वो वीडियो है। तो जैसे कि आपने देखा, यही वीडियो थी। तो चलो मैं बताता हूँ कि ये कैसे करना है। तो आपको ये वाले एप्लीकेशन चाहिए, VN इसका नाम है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, तो आपको इसे डाउनलोड कर लेना है पहले। इसे डाउनलोड करने के बाद पहले आपको जिस फ़ोटो से आपको मतलब वो बनाना है, एडिटिंग करनी है, तो आपको वो सिलेक्ट करनी है। अगर आपको कुछ और फ़ोटो चाहिए तो वो आपको गूगल से डाउनलोड करनी है ना। कैसे मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड रुकिए। आपको गूगल पर सर्च करना है, जैसे आपको ये चाहिए मैरी क्रिसमस डाउनलोड, या आप इस पर, मैंने अभी दिखाने के लिए कराया, सिर्फ इमेज पर जाएंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारी फ़ोटो दिख जाएगी, मैंने डाली हुई है एक वीडियो यहाँ पे। तो आपको ये फ़ोटो पे क्लिक करना है, इस पर लॉन्ग क्लिक करके रखना है, और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आपको डाउनलोड कर लेना है। तो ये डाउनलोड हो जाएगी। अब आपको करना क्या है, जितनी भी आपने फ़ोटो डाउनलोड की है उसे आपको खोलना है VN एप्लीकेशन में। VN एप्लीकेशन में खोलने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो प्लस का साइन है ना, ये वाला, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ऐसे करके न्यू प्रोजेक्ट में जाकर आपको फ़ोटो वगैरह सिलेक्ट करनी है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5। आपको यहाँ पे 5 फ़ोटो सिलेक्ट करने लिए हैं। और कोई सॉन्ग देख लेते हैं पहले, रुक जाइए, मैं सॉन्ग एडिट कर लेता हूँ। जैसे मैं ये वाला ले लेता हूँ, मैरी क्रिसमस वाला सॉन्ग है, तो मैं आपको सुनाता हूँ, तो यही लगा देते हैं अभी के लिए। तो आपको ये वीडियो पहले, ये जो ये फ़ोटो है, इसे छोटा कर लेना है थोड़ा सा, जिससे ज़्यादा जल्दी जल्दी आते रहे। तो मैं पहले छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के लिए आपको क्या करना है, इस जो फ़ोटो है इस पर क्लिक करना है, और आपको ये जो इसका बार है इस पर खींचना है, फिर ऐसे ही करना है। आपको ऐसे करते जाना है, पहले मैं छोटा कर देता हूँ, फिर मिलता हूँ। और छोटा करने के बाद आपको क्या करना है, जौन सी फ़ोटो पे आपको इफ़ेक्ट लगाना है, पहले आपको इफ़ेक्ट लगाने के लिए एफएक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये जो है ये वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना है, और आपको इफ़ेक्ट लगाना शुरू कर देना है। ये पहला फ्लैश वाला, ये जो है ये वाला इफ़ेक्ट आपको ऐसे क्लिक करना है, इसे क्या करना है आपको पीछे कर देना है। तो राइट करके फिर आपको ये सिलेक्ट करना है, फिर एफएक्स लगा के ऐसे ही करना है आपको। फिर अगर आप चाहते हैं तो दूसरा लगा दें ऐसे करके, फिर आपको राइट कर देना है। पहले मैं आपको पूरा वो लगा लेता हूँ एफएक्स, तो फिर हम मिलते हैं, रुक के थोड़ा। अब मैंने इसमें इफ़ेक्ट लगा लिया है, तो अब मैं दिखा दूँ आपको कैसी बनी वीडियो। तो जैसा कि आपने देखा, ये 5 फ़ोटोज़ मैंने लगाई थी, देखो ये कैसे एडिट होके आई। ये सिर्फ एफेक्ट की वजह से है। तो लास्ट में जो भी आपका मतलब गूगल में नाम सेव है वो आ रहा है ना, इनके डायरेक्ट बाय। तो आपको अगर लास्ट में इंट्रो वगैरह बनाना है तो इंट्रो की वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आएगी। तो आपको जैसा इसे सेट करना है, यहाँ से अगर आप इंस्टाग्राम में डालोगे तो आपको ये दोनों मिल जाएंगे, अगर आप टिकटॉक में डालते हो तो ये भी मिल जाएगा, आपको जौन सी मतलब फुल में चाहिए वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है एक्सपोर्ट पर। एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद ये वीडियो आपके फ़ोन में सेव होने लग जाएगी। अभी भी प्रोसेस ख़त्म नहीं हुआ है, रुकिए जी थोड़ा, एक्सपोर्ट हो रही है ये धीरे धीरे। अभी देखो ये पूरी हो गई है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल काम है, आपको सेव टू एल्बम करना है, मतलब ये आपकी गैलरी में जाएगी। गैलरी में लाने के लिए इसे सेव टू एल्बम कर देना है क्लिक। अभी क्या हो गई है, गैलरी में, और मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि ये गैलरी में आई या नहीं, रुक जाइए, देखिए मैं दिखाता हूँ अभी। अभी दिखा देता हूँ आपको ये गैलरी में आई कि नहीं, तो रुक जाओ थोड़ा, टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तो आपको चलो दिखाते हैं। तो देख पा रहे हैं जैसे कि आप, ये गैलरी में आ चुकी है, देखिए यही वीडियो है, देखो। तो जैसा कि आपने देखा,
जैसे कि आपने देखा ये वीडियो गैलरी में आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो आज की? इस वीडियो का एम रखते हैं हम 20 लाइक्स। तो जल्दी से अगर 20 लाइक्स कर देते हो तो हम इंट्रो की भी वीडियो लाएंगे। और VN एप्लीकेशन को डाउनलोड करना मत भूलना। बाय।